मेरे दोस्तों नमस्ते। आज हम आधुनिक भारत के अंतर्गत बक्सर का युद्ध के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने प्लासी के युद्ध के बारे में आपको बताया था। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने से आप मेरे से जुड़ जाते हैं। तो आइए देखते हैं बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बक्सर का जो युद्ध हुआ था वह दिल्ली, अवध, बंगाल ये तीनों शासक मिलके यह युद्ध लड़ा था। बक्सर का युद्ध दिल्ली का जो शासक था वह शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। अवध का जो शासक था वह शुजाउद्दौला, अवध का नवाब शुजाउद्दौला। और बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम। तो ये मीर कासिम से ही बक्सर का युद्ध का शुरुआत होता है। तो थोड़ा मीर कासिम से शुरुआत करते हैं। मीर कासिम बंगाल का शासक था और जो अंग्रेज था वह क्या कर रहा था, युद्ध की तैयारी कर रहा था। कलकत्ता काउंसिल से पटना के अंग्रेज सेनापति एलिस की सहायता के लिए अस्त्र भेजना अंग्रेज ने शुरू कर दिया था। मीर कासिम जो था स्थिति को गंभीरता को समझ रहा था, अतः उसने क्या किया, युद्ध के सामान से लदी हुई कंपनी की जो नाव थी जो कि पटना जा रही थी मुंगेर में रोक लिया। इस पर एलिस ने क्या किया, पटना पर आक्रमण कर दिया। एलिस जो था वो मीर कासिम के विरुद्ध पटना पर आक्रमण कर दिया, उसे अपने अधिकार में ले लिया। पर मीर कासिम ने सेना भेजकर पटना को पुनः अपने अधिकार में कर लिया था। इस पर कलकत्ता काउंसिल ने मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अंग्रेजों ने नवाब की सेना को उदयनाला, गिरिया आदि के युद्धों में बुरी तरह परास्त कर दिया था। अंग्रेज क्या किया था, मीर कासिम की जो सेना था उसको बुरी तरह से परास्त कर दिया। पर ये मीर कासिम जो था वह उसका साहस भंग नहीं हुआ। उसने क्या किया, मुंगेर के दुर्ग की सुरक्षा की व्यवस्था कर वह पटना आया और वह बहुत क्रोधित हुआ और क्रोध में आकर क्या किया, 148 जो अंग्रेज था उसे जो 148 अंग्रेज कैदी था जो कि मीर कासिम का कैदी था उसको, जिसमें बच्चे और स्त्रियां भी थी, मौत के घाट उतार दिया। मीर कासिम ने मौत के घाट उतार दिया। इस घटना को पटना हत्याकांड के नाम से पुकारा जाता है। इसी बीच एडम्स ने मीर कासिम को बुरी तरह से परास्त कर पटना पर अधिकार कर लिया। मीर कासिम भाग गया और बगल में अवध था वहाँ पहुँच गया। और अवध का नवाब कौन था, शुजाउद्दौला वहाँ का नवाब था। शुजाउद्दौला और बगल में दिल्ली भी था तो शाह आलम द्वितीय भी शुजाउद्दौला के पास पहुँचा हुआ था। अब अवध का ये मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था वह अंग्रेजों के डर से भागा था। वह अवध के जो नवाब था शुजाउद्दौला और दिल्ली का जो नवाब था शाह आलम द्वितीय उस दोनों से प्रार्थना किया कि आप लोग मेरी सहायता करें और हम तीनों मिलके गठबंधन बनाएंगे और इस गठबंधन से क्या करेंगे, अंग्रेज को परास्त करेंगे। तीनों मिलके अंग्रेज को परास्त करेंगे। तो अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला वह सोच उसको पहले ही से ही 30 वर्षों से अवध का नवाब बंगाल की ओर ललचाई दृष्टि से देख रहा था। अवध का नवाब जो था वह 30 वर्ष से ललचाई दृष्टि से देख रहा था। अब यह अवसर उसे प्राप्त हो रहा था, अतः उसने क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध मुगल सम्राट शाह आलम और अवध का नवाब वजीर शुजाउद्दौला तथा मीर कासिम ने संयुक्त मोर्चा कायम कर लिया। तीनों बोला चलो ठीक है मिल ले जाते हैं, गठबंधन कर लेते हैं। और तीनों की संयुक्त वाहिनी के साथ तीनों सेना मिल गया और तीनों शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय तीनों ने ट्रेंगल बनाया और तीनों मिल गया कि तीनों मोर्चा बनाएंगे। तीनों मिल गए, अंग्रेज सेना पर धावा बोल दिया। और यह जो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को यह युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेज था, अंग्रेजों ने इस तीनों को मीर कासिम और उसके मित्रों की भयंकर पराजय हुई। मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय शुजाउद्दौला की भयंकर पराजय हुई। तीनों को क्या किया, अंग्रेज तीनों ट्रायंगल जो बनाए हुए था, त्रिकोण बना लिया था कि तीनों मिलके, इस तीनों को मिलके उसने तीनों को बॉक्स बना दिया और बॉक्स में तीनों को बंद कर दिया। तो ये बक्सर का युद्ध हो गया। तीनों को बंद करके ये बॉक्स बना दिया अंग्रेज ने 1764 ईस्वी में। शुजाउद्दौला जो था रोहिलखंड भाग गया और मीर कासिम भी रणक्षेत्र से भाग खड़ा हुआ और 14 वर्षों तक इधर उधर भटकता रहा। अंत में 1777 ईस्वी में दिल्ली के निकट अत्यंत दयनीय दशा में उसकी
मीर कासिम की मृत्यु हो गई। एक इतिहासकार के शब्दों में इस प्रकार भारत के भाग्य निर्णायक प्रसिद्ध बक्सर युद्ध का अंत हुआ। यह युद्ध जिस वीरता से लड़ा गया था उसका परिणाम ही उतना ही महत्वपूर्ण हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या, अब बक्सर का युद्ध का सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे महत्वपूर्ण है वो तो तीनों ये शाह आलम, मीर और सुजाउद्दौला, ये शाह तीनों साथ मिला, यानी शाह साथ से तीनों शाह से मीर और सुजा तीनों सुजाउद्दौला मीर कासिम तीनों मिल गया था। तो तीनों को याद रखना है कि कौन तीनों मिला था, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सुजाउद्दौला। और युद्ध कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। अब देखिए 22 जो हुआ, दो दो प्लस दो कितना होता है, चार, तो ये दो दो अलग कर दिए, चार, तो दो दो मिलके यानी चार जो था, चार इसमें लड़ा था, शाह आलम द्वितीय, अंग्रेज, सुजाउद्दौला और मीर कासिम, चारों युद्ध में लड़ा था सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, अंग्रेज, ये चार मिल गया। तो ये दो दो यानी दो दो हो गया, दो दो मिलके कितना होता है, चार, तो ये चार इसको दो दो आधा आधा बांट दिए हैं तो 22 अक्टूबर हो गया, 22 हो गया, यानी दो दो होता है, दो दो मिलके चार होता है, ये चारों मिला था तो 22 अक्टूबर को युद्ध हुआ था। और अंग्रेज बहुत 64 था, बहुत तेज था, जो बहुत तेज होता है उसके कहते हैं बहुत 64 है, तो 64 में 22 अक्टूबर 1764 में यह युद्ध हुआ था, प्लासी के युद्ध के जस्ट बाद हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में और यह हुआ युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी को, ठीक है। अब इस तीनों ये जो तीनों शासक था, शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला और मीर कासिम, इस तीनों को हराने के बाद अंग्रेज को बहुत फायदा हुआ था बक्सर के युद्ध में से, उसको भारत पर पूर्ण रूप से राज्य करने का मौका मिल गया था, क्योंकि ये जो उत्तरी भारत था वह पूरा उसको यहाँ पर कब्जा करने का मौका मिला था। शाह आलम सुजाउद्दौला जो था, सुजाउद्दौला क्या किया कि अंग्रेजी सेना को अपनी रक्षा के लिए उसको रखना पड़ा अपने खर्च पर। सुजाउद्दौला ने तीनों ने ये मीर कासिम तो भाग ही गया और शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला जो था वह अंग्रेज से संधि कर लिया था, शाह आलम संधि कर लिया और सुजाउद्दौला जो था वह अंग्रेजी जो सैनिक था उसको अपने राज्य में रखा अपने खर्च पर। उसके बाद मुगल सम्राट से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी प्राप्त हुई, जिसमें अंग्रेज बंगाल के शासक बन गए। इस संपूर्ण क्षेत्र में का जो राजनीतिक और आर्थिक जीवन पर अंग्रेजों का प्रभुत्व कायम हो गया। अब जो इसका आर्थिक और राजनीतिक इस सब पर इसका अंग्रेज का प्रभुत्व जो था कायम हो गया। और इस तरह से बक्सर का युद्ध अंग्रेजों को भारत में पूरी तरह से पांव पसारने का मौका दिया। तो बक्सर का युद्ध अंग्रेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ अंग्रेजी राज्य की स्थापना के लिए। प्लासी के युद्ध से यह ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ बक्सर का युद्ध। धन्यवाद, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।